पेवर के द्वारा लेइंग होने के बाद इसका डेप्थ गेज के थ्रू इसका थिकनेस चेक किया जाता है, और थिकनेस आपको कितना रखना है उसका आप यहाँ पर चार्ट देख सकते हैं। 30 mm, 40 mm और 50 mm का थिकनेस सिंगल लेयर में किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से इसका थिकनेस चेक किया गया है, और यहाँ पर अप्रॉक्स 65-70 आ रहा है। यहाँ पर जो आप थिकनेस देख रहे हैं वो पेविंग के बाद में थिकनेस है, इससे 30% रोलिंग होने के बाद ये थिकनेस 30% कम हो जाएगी। यहाँ पर जो अभी थिकनेस आ रही है उसका आपको 30% माइनस करना है, उसके बाद जो थिकनेस होगी वो आपकी एक्चुअल बिटुमिनस लेयर की थिकनेस होगी, जिसे कोर कटिंग द्वारा यहाँ पर चेक किया जाता है। पेविंग होने के साथ साथ आप रोलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और रोलिंग के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है आप यहां पर देख सकते हैं। इस स्पेसिफिकेशन को फॉलो करते हुए आपको यहां पर रोलिंग कराना होता है, आपको वाइब्रेटरी रोलर कब यूज़ करना है, स्मूथ व्हील रोलर कब यूज़ करना है, इस स्पेसिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ न्यूमेटिक रोलर का भी यूज़ किया जाता है, और किस तरह से न्यूमेटिक रोलर को यूज़ करना है वो आपको सारा गाइडलाइन इसमें मेंशन है। यहाँ पर मैं आपको बेसिक पॉइंट बता देता हूँ, यहाँ पर रोलिंग का स्पीड 5 km/h का स्पीड होना चाहिए, साथ ही साथ जब ओवरलैप होता है वो 1/3 का ओवरलैप होना चाहिए। न्यूमेटिक रोलर को तब यूज़ किया जाता है जब टेम्परेचर बिटुमिनस कोर्स का टेम्परेचर 60-70 डिग्री हो जाता है, उसके बाद ही न्यूमेटिक रोलर को यूज़ किया जाता है। यहाँ पर रोलिंग कंप्लीट हो जाने के बाद कोर कटिंग के द्वारा यहाँ पर इसका थिकनेस चेक किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर कोर कटिंग मशीन द्वारा बिटुमिन कोर्स में यहाँ पर कोर काटा जा रहा है, और कोर कट जाने के बाद उसको निकालकर उसका थिकनेस चेक किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ पर थिकनेस चेक करना होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कोर कटिंग हो जाने के बाद यहाँ पर जो कोर निकला है उसका थिकनेस चेक किया जाता है।